मकसद यही है कि जिहड़ा इत्थे आया उन्हूं बोलण दा हक है, भावें जिहड़े मर्जी पार्टी दा, जिहड़े मर्जी इलाके दा, जिहड़े मर्जी बेंच ते बैठा है। यही डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र यही है। जरूर इत्थे आओ पर अपने होमवर्क नूं आओ, लड़न ना आओ। इत्थे बोल के बह जाओ, कोई गल नहीं, पर बोल के चले ना जाया करो। थोड़े कुछ है कि नहीं है जे, बोलण सार बाहर जांदे आ। पंजाब नूं जिहड़े जिन्हां ने चुणिया है उही फैसले करन, इलैक्टड करन, ना कि सिलेक्टेड कोई बिच अपनी टांग अड़ाउण। तुसीं इत्थे बैठो, थोनू भी नाल मौका मिलेगा, बाकी सारे नूं भी कहो कि सारे आया करो। थोड़े कोल ज़्यादा तजर्बा सरकारां नूं चलाउण दा, साडे कोल 11 महीने होए है। जोश ते होश जदों दोनों कट्ठे हो जाण, खास तौर पर एक सूबे लई, तां उस सूबे नूं तरक्की करन तों कोई नहीं रोक सकता। जे ऐसे तरह सैशन चल जाए रैंकिंग दे विच, आ हाउस नंबर 1 आ जूगा इंडिया दे विच। नंबर 1 के उत्थे डिबेट हुंदी है, पंजाब च डिबेट हुंदी है। दूजे क्या करनगे, पंजाब तो सीखो। बायस नहीं होना चाहिए किसी भी फील्ड दे विच। स्पीकर साहब तो खास तौर पर स्पीकर सारयां दा हुंदा। डिबेट्स होणगियां, लंबे लंबे डिबेट चलनियां चाहीदियां, लोकां नूं देख के चंगा लगे कि हाँ दोनों पासे अपना पक्ष रख रहे हैं दोनों। डेमोक्रेसी जिहड़ी है, लोकतंत्र जिहड़ा, वो लोगों के हाथ च है। ये ना सोचो कि जे थोड़े को अज सत्ता आ गई तो लोग थोड़े नाल दे रहेंगे, लोग देखी जाते हैं। मैं क्या जी, मैनू भी टाइम दो साढ़े पंजाब के पानी बारे बोलना। कहते नहीं, छोटी पार्टियां बोल नहीं सकेंगी, बड़ी पार्टियों का टाइम है अभी, बस इस पर डिबेट खत्म करेंगे, इस पर उसके बाद मिनिस्टर बोले। जे कोई उत्थे MP उठ के कह दे कि कोरम पूरा नहीं, तो हाउस नूं पहला एक बैल मारनी पैंदी है, दो मिनट की। सारे पार्लीमेंट चो बैल बजदी है कि कोरम की घाट है, जिथे भी है आ जाओ। डॉक्टर साहब तुसीं भी इह समझ लिओ कि अपने जिन्ना 10% जिहड़े ने अपने वाले, वो अपने कोल तां बैल भी नहीं हैगी मिलदा। इत्थे डिबेट चल रही सी, धरती का पानी थले जा रहा, 9 बज चुके सी, मैं भी बैठा सी। मैं उन्हां नूं कहा उस वेले मेरे ख्याल च पार्लीमेंट अफेयर मिनिस्टर राजीव प्रताप रूडी सी, मैं कहा जी मैनू भी टाइम दो साढ़े पंजाब दे पानी बारे बोलना। कहते नहीं, छोटी पार्टियां बोल नहीं सकेंगी, बड़ी पार्टियों का टाइम है अभी, बस इस पर डिबेट खत्म करेंगे, इस पर उसके बाद मिनिस्टर बोलेंगे। ठीक है जी, बैठ गया। मैं देखा मेरे नाल BSP वाले विधायक बैठे सी, बाकी भी देख लेना, बंदे गिन ले जी, बंदे सारे 24। मैं पिछे भी देखा कोई नहीं सी, सारे 24। 10% तो घट हो नहीं सकते, सभा चल नहीं सकती। कोरम जिहड़ा 10% यानी कि 54-55 चाहिए। जे कोई उत्थे MP उठ के कह दे कि कोरम पूरा नहीं, तो हाउस नूं पहला एक बैल मारनी पैंदी है, दो मिनट की। सारे पार्लीमेंट चो बैल बजदी है कि कोरम की घाट है, जिथे भी है आ जाओ। पहली बैल बज गई, 2-3 होर आ गए, 27 हो गए। फिर दूजी बैल मारनी पैंदी है, दूजी बैल भी बज गई, 1 होर आ गया, 28 हो गए। तीजी 2 होर आ गए, 30 हो गए। कोरम पूरा नहीं होया तो हाउस अडजर्न करना पवेगा। तो स्पीकर साहब कहिंदे भी हाउस, क्योंकि कोरम पूरा नहीं है, हाउस अडजर्न किया जाता है। मैनू BJP वाले कहिंदे आपने अच्छा नहीं किया जी। मैंने कहा जी, छोटी पार्टियां हैं, अब बड़ी पार्टियां बोल रही हैं, छोटी पार्टियों को अगर टाइम नहीं देते चलती हुई सभा में, छोटी पार्टियां बंद तो करवा सकती हैं ना। मैं कहा जी, जिन्ने आपां बैठे हाँ इन्ने बच्चे एक क्लास चो, टीचर क्लास नहीं लैंदा भी बच्चे घट ने, तो तुसीं देश चलाई जाने हो जी। मैं कहा जी, लैक्चर शॉर्ट हो जाए साडे स्टूडेंटां दे, फाइनल पेपर च नहीं बैठन दिंदे, तो तुहाडे तुसीं कित्थे हो। और कोरम पूरा करना इज रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अपोजिशन तो कई बार वाकआउट कर जाती है सारी, 55 बंदे रखना घट्टो घट तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। अगले दिन फिर मैनू मिले, वो कहिंदे यार कल बहुत काम खराब होया, सवेरे कहिंदे फिर झिड़का पईआं उत्थों बॉस तो। हाँ जी डॉक्टर साहब, तुसीं भी इह समझ लिओ कि अपने जिन्ना 10% जिहड़े ने अपने वाले, वो अपने कोल तां बैल भी नहीं हैगी मिलदा। इत्थे बुला के लियाने पैणगे, पर मैनू उम्मीद है क्योंकि चाह है अजकल। एक बाजवा साहब बहुत अच्छी गल जिहड़ी हुई है, जिहड़ा अजकल वीडियो मिलने लग गया तां लोग ही पुछदे की बोलिया भाई उत्थे, तुसीं तां तुसीं उत्थे वीडियो दिखा दिंदे आपदे वोटरां नूं कि आह तुहाडे वास्ते बोले। वह वीडियो करके हर एक नूं बोलण दा एक जज्बा पैदा हो गया, चाह पैदा हो गया। मैनूं पता उत्थे ऑडियो एंड वीडियो विजुअल पार्लीमेंट च 100 रुपए की CD मिलती है, हुण तां उन्होंने
सीधे करता कि तुसी वैबसाइट तो ले लो तुहाडा अपना अपनी स्पीच वैबसाइट से मिल जाती है उन्होंने तुसी डाउनलोड कर लो। मैं हर जदों भी बोलता सी मैं सीधा पहला आडियो वीडियो विजन को जाता सी उन्होंने तो कहता हूँ ही मैं बोलिया सी मैं सी डी बना के दे दो सी डी बना के फिर मैं उन्होंने होर फॉरमेट के चेंज करता सी। और मैनू उन्होंने दस्या कि इन्ना ज़्यादा बढ़ गया हुण कि साढ़े कोल पहला कोई नहीं आता सी हुण क्योंकि लोग मंगण लग गए कि बोलिया दिखा वीडियो दिखा तो सारी वीडियो बनाउण लग गए फिर सारी बोलन लग गए। सो इस वक्त मैं जदों 14 to 19 दे विच कदे भी जीरो आवर दे विच 120-125 तो बदे नहीं कदे भी जिन्हां ने क्वेश्चन पाए। 19 तो बाद जो मैं देखिया उत्थे 200-250 बंदे पाउण लग गए फिर असीं उन्हां नूं कहा जी कि जीरो आवर नूं तुसीं डबल कर लो एक सवेरे कर लो घंटा एक शाम का घंटा कर लो तो जीरो आवर च 20 की बजाय 40 कर दो सर तो डबल हो जूगा। सो मकसद यही है कि जिहड़ा इत्थे आया उन्हूं बोलण दा हक है भावें जिहड़े मर्जी पार्टी दा जिहड़े मर्जी इलाके दा जिहड़े मर्जी बेंच ते बैठा है यही डेमोक्रेसी है लोकतंत्र यही है। तो जे कदे मौका मिले पार्लीमेंट जाण दा तां उत्थे जिस वेले स्पीकर सन बंगाल वाले सोमनाथ चटर्जी साहब उन्होंने एक डेमोक्रेसी का एक म्यूजियम बनाया से उत्थे वो देखने वाली चीज़ है कि डेमोक्रेसी कैसी साडे कंट्री कदों आ गई सी। उत्थे सब तो पहला बुद्ध कौंसल है कि महात्मा बुद्ध कौंसल लाउंदे सी उदों सलाह हुंदियां सी अकबर का दरबार दीने लाही उत्थे बह के डिबेट्स हुंदियां सी। सो बहुत वधिया वो एक फॉरमेट है कि साडे कंट्री का डेमोक्रेसी बहुत देर पहला तो सी हुण तां असीं बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैगे आ इलैक्शन हुंदी आ करोड़ां वोटां पैंदियां ने। सो मैं ही तुहानूं रिक्वेस्ट करूँगा कि जरूर इत्थे आओ पर अपने होमवर्क नाल आओ लड़न ना आओ इत्थे इत्थे कुछ कहण आओ डिबेट करन आओ हैल्दी डिबेट करन आओ बहस करो। तो डिबेट्स होणगियां लंबी लंबी डिबेट्स चलनियां चाहीदियां लोकां नूं देख के चंगा लगे कि हाँ दोनों पासे अपना पक्ष रख रहे हैं दोनों